आज हम जा रहे हैं नादेड़ टू चंडीगढ़ वापस। वीर जी लपरी जी 24 घंटे फोन पे लगे रहते हैं, सिस्टर सारे इंजॉय कर रहे हैं। आज हम दिखाएंगे आपको सारा ब्लॉग कवर करके और मजा करेंगे आज पूरा ट्रेन में क्या क्या जर्नी करनी है। और ये देखो, ये है सचखंड एक्सप्रेस, अमृतसर से चलती है और इसकी पूरी जर्नी दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे रुकती है, कौन कौन से स्टेशन पे रुकती है। ये सचखंड नादेड़ से ही चलती है सचखंड एक्सप्रेस और ये अमृतसर तक चलती है। 12715 इसका नंबर है, आप बुकिंग कर सकते हैं। थर्ड एसी हमारा रिजर्व्ड कोच है और जल्दी से अब हम देखेंगे अंदर का व्यू। जर्नी बिगन्स गाइस, सीट पर बैठ गए हैं। जर्नी बिगन्स, मेरे तो उन्हें क्या भेजा यार ये है हमारी सारी फैमिली, मामा जी लवप्रीत सिंह, हनी सिंह फ्रॉम बड़ैल, हैप्पी हनी सिंह, हरप्रीत सिंह फ्रॉम जीरकपुर, अंकल जी सत श्रीकाल जी, हेलो जी, दो मिनट आ गया मैं आ गया बोलो, हेलो जी, हेलो, हेलो, जर्नी बिगन हो चुकी है। अमरूद और किचन खुल चुकी है तो नादेड़ से चंडीगढ़ की जर्नी है। 12715 ये है टिकट का नंबर और ये है मस्त सी जर्नी। ये है हमारा AC 3 टायर और ये अच्छा सा एक यहाँ पे वॉशरूम है। AC 3 टायर थोड़ी सी मुरम्मत चाहता है और ये है यहाँ का सारा वोल्टेज सिस्टम जहाँ से कंट्रोल किया जाता है पूरे कोच को। एक कोच का है ये सारे बटन, टेलीफोन फंक्शंस वगैरह, डायग्नोस्टिक सारे, जो जितने भी शूज वगैरह सॉकेट्स वगैरह सारे यहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं। और ये है यहाँ पर छोटा सा कैबिन है, ये क्या है, ये नहीं खुल रहा भाई, ये नहीं पता क्या है, लगेज रूम है, ये लगेज रूम। अच्छा अच्छा ये सफाई वाला मिला है। ट्रेन चल के पहुंच चुकी है पूर्णा जंक्शन पे और ट्रेन से जुड़ी हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा। नादेड़ से चंडीगढ़ जा रही है 12715, 12716 आती है वहाँ से और अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए, अमृतसर से नादेड़ के लिए आती है और ये जा रही है नादेड़ से अमृतसर। हम उतरेंगे चंडीगढ़ अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे और चंडीगढ़ पहुँच के मैं आपके साथ सारी वीडियो डिटेल शेयर करूँगा कि क्या क्या है इसमें, रिजर्वेशन कैसे कराना है, कितना डिस्टेंस है, कैसे सीट में रुकना है, क्योंकि सीट्स का भी अपने अपनी टाइमिंग है अलग अलग, आप सारा दिन नहीं सो सकते उसमें, तो हर एक चीज़ है। फूड कैसा होता है मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिलहाल अभी पूर्णा जंक्शन पे ये 2 मिनट के लिए इसका स्टॉप है, उससे अगला जंक्शन आएगा परवनी जंक्शन, उस जंक्शन पर मेरा फ्रेंड मुझसे मिलने आ रहा है तो उस जंक्शन पर मैं आपसे अपने आए फ्रेंड को मिलाऊँगा। तो जल्दी से परवनी जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे की पेंट्रीज की तरफ से गाइस आपको चाय वगैरह सब कुछ सर्व होता रहता है बीच बीच में और देखो इंडियन रेलवे की पेंट्री कार भी इसमें चलती है और हम सफ़र कर रहे हैं 3 टायर में। 3 टायर में ये सोने की टाइमिंग भी होती है अलग अलग, ऐसे सो नहीं सकते। आप IRCTC की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, ऐसे सो नहीं सकते, बैठे हुए हैं भाई सब। गाइज यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है इंडियन रेलवेज की तरफ से और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। 3 टायर AC में हम सफ़र कर रहे हैं, इसमें सेकेंड वाली बर्थ होती है और अपर बर्थ, लोअर बर्थ और मिडल बर्थ,
और इस पे हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत मज़ेदार है, खाने पीने की कोई भी आपको समस्या नज़र नहीं आती है। ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, बड़ी स्मूथ चल रही है। और बाकी बताता हूँ आपको, ये जो मिडल बर्थ वाली टाइमिंग है, आप इसको अगर आप अलग अलग, जैसे हमारी तो फैमिली है, हम एडजस्ट करके सो रहे हैं। अगर आप मिडल बर्थ में आप सोना चाहते हैं तो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम है, और आप सारा दिन उसको यूज़ नहीं कर सकते सोने में कि अगर आपको सोना है तो। हमारी फैमिली है, हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट्स के साथ सब कुछ हो सकता है। और बहुत बड़ा कोच है ये, 72 सीट्स होती हैं, और ऑलमोस्ट हम 2000 किलोमीटर्स का सफ़र तय करेंगे विद इन 30 आवर्स में। और 30 आवर्स का ये जो सफ़र है, ये हम नांदेड़ से शुरू करके कर रहे हैं, चंडीगढ़ की तरफ को जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी आपके साथ जंक्शंस की मैं समरी डिस्कस करता रहूँगा। मनमाड़ जंक्शन है, यहाँ पे बहुत बड़ा जंक्शन है, वहाँ पर ट्रेन का जो डीजल इंजन है वो इलेक्ट्रिक इंजन में चेंज हो जाता है, और उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। इस टाइम अराउंड 130 किलोमीटर पर आर के हिसाब से हमारी गाड़ी चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। शाम की संध्या में मैं आपके साथ एक शाम की संध्या में मैं आपके लिए देखो, बहुत सारा सामान आता रहता है भारतीय रेलवे की तरफ से। ये भारतीय रेलवे की किचन भी मैं आपके साथ दिखाऊंगा, आपको किचन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं उनके किचन की तरफ। वो भाई के पीछे लगा रहा है इंडियन रेलवे किचन। एंजॉयमेंट फन लविंग गेम्स डिनर है, डिनर चल रहा है जी, डिनर। डिनर चलता है, इसके बाद रात को सोने की तैयारी होगी। हेलो तो जी, ट्रेन अभी पहुंच चुकी है हमारी खांडवा जंक्शन पे, और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9 बजने वाले हैं, और डिनर वगैरह लगभग ऑलमोस्ट रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत साफ़ सुथरी किचन है इनकी, कहीं भी खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये खांडवा जंक्शन पे अप्रॉक्स 2 मिनट के लिए रुकती है, और बहुत ही प्यारी सी AC 3 टायर हमारी ट्रेन है। और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ नांदेड़ से। 30 आवर्स अप्रॉक्स हमारी जर्नी है, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अंदर बहुत ही साफ़ सुथरी कंडीशन है और मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। तो चलते रहिए, अभी सारे सोने की तैयारी करेंगे। मैं सोने की तैयारी दिखा देता हूँ आपको, बर्थ कैसी है और AC 3 टायर्स की बर्थ कैसी होती हैं। चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं। 3 बर्थ है जी, 3rd AC 3 बर्थ्स में कन्वर्ट हो चुका है। 1, 2, 3 और सोने की तैयारी। ये है मेरा बिस्तरा और मैं चला हूँ सोने। गुड बाय गाइस, सुबह मिलता हूँ आपको सोने जरो में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आगरा जंक्शन पहुँचने वाले हैं, और चल चुकी है ट्रेन धौलपुर जंक्शन से। बहुत ही अच्छी यादगार मेमोरीज लेके। ओ देखो सामने ट्रेन का आटा बदल रही है। लो जी कांटा बदल गया ट्रेन का। Where is the Toba? हम काफ़ी सफ़र तय कर चुके हैं, उसके बाद हम अब पहुंच रहे हैं
अम्बाला कैंट, इसके बाद डायरेक्ट हमारा स्टेशन है चंडीगढ़। और अम्बाला कैंट से चंडीगढ़ की दूरी आधे घंटे या 35 मिनट में तय हो जाती है। अम्बाला कैंट का जो स्टॉप है वो 10 से 12 मिनट का रहता है। चंडीगढ़ भी 10 मिनट रुकती है ट्रेन, और अब धीरे धीरे फिर से तेज़ हो रही है। मैक्सिमम स्पीड जो मैंने देखी है इस ट्रेन की वो रहती है 110-115 तक पहुंच जाती है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने अपनी जर्नी कंप्लीट करने जा रहे हैं। अप्रॉक्स 30 आवर्स लगे, और ये ट्रेन ने हमें डिले करा है अराउंड 1 आवर 15 मिनट तक, इसने हमें डिले भी किया है। और अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। वैसे इस टाइम तक चंडीगढ़ पहुँचने का इसका टाइम है 3:45 तक का, और अभी हम अम्बाला कैंट भी नहीं पहुँचे हैं, तो एक घंटा इसने हमें अप्रॉक्स लेट किया है। तो चलता रहता है, और हमारे जो साथ में हैं सारे पहुँचने वाले हैं अम्बाला कैंट सवारियाँ। पहुंच गए ठीक ठाक मम्मा जी। हाँ जी, बल्ले 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 दीदी सत श्री अकाल। पहुंचने वाले हैं अब हम अम्बाला कैंट के बाद आधे घंटे का सफर। अरे नीचे देख लो अम्बाला कैंट। फिर जस आपका नाम क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से आपको दिखाता हूँ चंडीगढ़ पहुँच के। अप्रॉक्स ये कवर करती है 33 के अराउंड स्टेशंस चंडीगढ़ पहुँचने तक, और इसके टोटल जो स्टेशंस हैं वो हैं 39 स्टेशंस कवर करती है अमृतसर तक। इसके बाद बस चंडीगढ़ के बाद SAS नगर, लुधियाना, फगवाड़ा, जलंधर, और सीधा ब्यास के बाद अमृतसर। चलो मिलता हूँ आपको चंडीगढ़ में। रेडी टू लैंड। दुश्मनी है गाइस, लाला लाला होनी चाहिए। रेडी टू लैंड एंड दिस एंटरटेनमेंट ट्रिप अबाउट टू एंड। मेरे बंदा भी सेम। समान समून गाय जी इकट्ठा कर चुके हैं। ओके जी। तो गाइस ट्रेन चंडीगढ़ जंक्शन पे पहुंच चुकी है, और हम लैंड कर चुके हैं। अप्रॉक्स 32 से 33 आवर्स की जर्नी हमने परफॉर्म की है, और बड़ा मज़ा आया इस जर्नी में। आप सभी लोगों ने मेरा साथ दिया, और अब सभी लोग अपने अपने डेस्टिनेशंस की तरफ चल पड़े हैं, और मेरी फैमिली भी अब अपने अपने घर हम चल पड़ेंगे। आई होप ये हमारा लास्ट ट्रिप नहीं है, और ऐसे ट्रिप्स आपको एंजॉय करवाता रहूँगा मैं, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। तो जल्दी से